नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बैरावास गांव में। यहां पर एक डिफेंस एकेडमी है, हरियाणा डिफेंस एकेडमी, और वहां के संचालक दीपक यादव से आज मिलने आए हैं। हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे, सर आपने हमें इस मंजिल तक तो पहुंचा दिया एजुकेशन में, अब फिजिकल कैसे कराएंगे। तो हमने बहुत सर्च के बाद सर से टाइम मांगा है और सर ने हमारे लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में, और उनकी टिप्स से बहुत से बच्चे, हजारों बच्चे आज इंडियन आर्मी में लग चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, और तैयारी कर करके अब बहुत से बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, लड़कियों के बैच चल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज हम मिलवाते हैं दीपक यादव सर से, तो जो आपको उनकी टिप्स 1 वीक फॉलो कर लीजिए, आप 1 वीक में आपके फिजिकल इतना जबरदस्त हो जाएगा। तो आज हम मिलवाते हैं दीपक यादव सर से। सर जय हिंद। सर जय हिंद। सर आपका बहुत नाम सुना था और आपने हमें इतना टाइम दिया, तो सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी जो दिल्ली पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, सर हरियाणा दिल्ली पुलिस बॉयज एंड गर्ल, पहले लड़कियों के हैं, फिर लड़कों के हैं, फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस कमांडो और अदर स्टेट पुलिस के आएंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लड़कों लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, सर कैसे फिजिकल करें, क्योंकि जैसे फिजिकल का समय नजदीक आता है उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो सर आप कोई 8-10 दिन का जो आपका जो यहाँ का मेन मोटो होता है, 10 दिन में फिजिकल लगभग करवा देते हैं आप लोग, तो जो फिजिकल के समय आप किस तरीके से तैयारी कराएं, पहले लड़कियों के बारे में बताइए सर, उसके बाद लड़कों के बारे में। तो सर बताएंगे आपको बच्चों, पहले लड़कियों के बारे में बताएंगे, फिर लड़कों के बारे में, फिजिकल के समय हम कैसे तैयारी करें। सर फिजिकल के समय जो 8-10 दिन का टाइम होता है वही मेन होता है, तो सर हम बताएंगे दीपक यादव सर, सर बताइए सर। मैं सबसे पहले तो लड़कियों के बारे में बताता हूँ। जी सर, लड़कियों के बारे में बताइए सर। एक तो सबसे पहले घबराना नहीं बच्चों, सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। जी सर, जो मैं शेड्यूल बताऊँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर बच्चे फॉलो करेंगे सर, पक्का फॉलो करेंगे बच्चों। सर कह रहे हैं जो शेड्यूल बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा, सर फॉलो करेंगे। मान लो आज मंडे है। हाँ जी सर। तो आज मंडे से बताइए सर आप। मंडे को लड़कियों को करना है 2 किलोमीटर रेस मारनी है। लड़कियों को 2 किलोमीटर रेस मंडे को मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग। जी सर ठीक है। 1 किलोमीटर मारी फिर 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। 1 किलोमीटर रेस करी फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर करी फिर 2 मिनट का, फिर 1 किलोमीटर रेस करी उसके बाद 2 किलोमीटर 2 मिनट का रेस्ट। जी सर मंडे हो गया सर। हाँ सर। मंगलवार को आपको क्रॉस कंट्री जाना है 4 किलोमीटर। मंगलवार को आपको लंबी रेस जाना है 4 किलोमीटर। हाँ, दौड़ता रहना, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है बच्चों, रुकना नहीं है, दौड़ता रहना है मंगलवार को। जी सर। बुधवार को आप करना 4 या 5 चक्कर 400 मीटर। बुधवार को 4 या 5 चक्कर, यानी कि लड़कियों के लिए 4 चक्कर हो गए सर। कितने मिनट, कितने 400 मीटर के 1.5 मिनट का टाइम रहेगा उनमें। 1.5 मिनट का टाइम रहेगा 400 मीटर के एक चक्कर में। सर गैप, गैप 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट का गैप रखना है, यानी कि 400 मीटर 1.5 मिनट में चक्कर लगा लिया, 2.5 मिनट रुक गए, फिर एक चक्कर। सर बुधवार हो गया सर। बृहस्पतिवार को ग्राउंड में 4 किलोमीटर रेस मारनी है, स्लो रनिंग। बृहस्पतिवार को ग्राउंड में रेस करनी है, बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। जी सर। जी सर बृहस्पतिवार हो गया। शुक्रवार को आपको 600 मीटर के 2 राउंड मारनी है। शुक्रवार को मतलब 600 मीटर का एक राउंड भाग लिए। हाँ। फिर उसके बाद कितने मिनट का रेस्ट, 3 मिनट का रेस्ट। हाँ। है फिर उसके बाद 600 मीटर फिर भाग लिए। 600 मीटर फिर भाग लिए। हाँ। तो ये 600 मीटर में सर कोई टाइमिंग है? टाइम 2 मिनट या 2:05 लड़कियों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए 2 मिनट 2:10 2:05 ठीक है सर। शनिवार को 200 मीटर की स्पीड रनिंग, डाउन फिर स्पीड फिर डाउन, 500 मारने राउंड, मतलब पहले स्पीड, फिर उसके दौड़ा 200 मीटर दौड़ ली, फिर स्लो रनिंग कर ली, फिर स्लो रनिंग कर ली, फिर 200 मीटर फिर दौड़ा, ऐसे करके 5-7 राउंड मारने, 5-7 राउंड मारने हैं। 200 मीटर का कोई टाइमिंग सर? 200 मीटर को टाइमिंग कोई टाइमिंग नहीं, 30-35 सेकंड है। जी सर। सर ये बताइए आप इतने दिनों से कोचिंग दे रहे हैं, बहुत सी लड़कियां लग चुकी हैं जिनका फिजिकल इतना वीक था, हमने सुना था कि वाक्य में क्लियर हो गया। सर ये टिप्स कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी प्रभावशाली होती हैं सर? ये जो मैं बताता हूँ ये जो फॉलो कर लेता हूँ कामयाब हो जाता है। देखिए सर कह रहे हैं जो फॉलो करेगा वो कामयाब हो जाएगा, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल था ये कि जो आप फॉलो कीजिए हो जाएगा। सर अब आप लड़कों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए अपनी टिप्स बताइए सर। 1 वीक सर, 1 वीक का बताना है फिजिकल के पास कैसे करें सर, लड़कों के लिए बताइए आप। लड़कों के लिए बताता हूँ, मंडे से बताता हूँ। जी सर मंडे से। किलोमीटर के जैसे कि 3 किलोमीटर मारनी है मंडे को, 3 किलोमीटर। हाँ। जी सर। बीच में 2 मिनट का रेस्ट रहेगा, बीच में 2 मिनट का रेस्ट है। हाँ, जो टाइम दे दे उससे लेट आता तो उसका राउंड भी बताया जाएगा। मतलब 3 किलोमीटर चले गए। हाँ, किलोमीटर मारी 1 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। 1 किलोमीटर रेस कर ली। हाँ। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर। हाँ। जो बच्चा नहीं आया टाइम पे उसका दोबारा राउंड बताया, राउंड बच जाएगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत टाइट कर रखा आपने अकेडमी में।
ठीक है सर। मंगलवार को क्रॉस कंट्री जाना है, 10 किलोमीटर भी जा सकता है, 15 किलोमीटर। मंगलवार को लंबी रेस जानी क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बॉयज। जी सर, चलो रनिंग करना, मतलब रुकना नहीं, रुकना नहीं है, दौड़ता रहना है। जी सर, बुधवार को रहेगा 400 मीटर के साथ राउंड। बुधवार को 400 मीटर के साथ राउंड। जी सर, रेस्ट का टाइम रहेगा 2 मिनट। जी सर, 400 मीटर 1:05 से 1:10 के बीच मारने हैं। 400 मीटर के जो 1 मिनट 5 सेकंड से 1 मिनट 10 सेकंड के बीच लड़कों के लिए। जी सर, जो इससे लेट आएगा उसका राउंड बताया जाएगा। लेट आएगा फिर से सर राउंड बढ़ा देंगे। जी सर, बृहस्पतिवार को ग्राउंड में 8 किलोमीटर रेस करनी है। बृहस्पतिवार को ग्राउंड में 8 किलोमीटर रेस करनी है। जी सर, देखिए रुकना नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है रुकना नहीं है। जी सर, बृहस्पतिवार को 8 किलोमीटर रेस, कोई टाइमिंग है? टाइम नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है बच्चों। जी सर, शुक्रवार को 600 मीटर के 3 राउंड रहेंगे। शुक्रवार को 600 मीटर के 3 राउंड, जिसमें डायमंड का टाइम रहेगा, रेस्ट का डायमंड का है। तो 600 मीटर कितने मिनट में आना है सर? 1:45 से 1:50 के बीच में। 1:45 से 1:50 के बीच में। जी सर, शनिवार को 200 मीटर स्पीड मारनी है। 200 मीटर सुपर फास्ट शूट मारना, मतलब जितना दम है उतना लगाना है। जितना दम है उतना लगाना है बच्चों। 200 मीटर डाउन, जैसे पैदल चल के चल जाए, वार्म अप के चल जाओ। अच्छा, पैदल चल जाए, वार्म अप चले जाए, 200 मीटर फिर दौड़ना, 200 मीटर फिर दौड़ना, फिर नॉर्मल चल जाओ, फिर दौड़ना 200 मीटर। ये फिजिकल से पहले का शेड्यूल है, मतलब 1 वीक से पहले 8-10 दिन बचे हूँ सर। इन 8-10 दिन में बच्चे कोई पहाड़ों पे चढ़ता है, कई टिब्बों में जाते हैं, मैंने खुद देखा है, बुड्ढे में रेस मार रहे हैं सर, यानी कि रेगिस्तान वगैरह में जहाँ मिट्टी ज्यादा पड़ी है, तो सर वो ठीक होता है? नहीं, वो ठीक नहीं होता। तो बच्चों सर बता रहे हैं कि आप पहाड़ी पे चले गए या फिर आप टिब्बे में बुड्ढे पे रेस कर ली, वो ठीक नहीं होता, तो सर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप उससे फिजिकल आता है, ये तो थाई बढ़ जाती है, फिजिकल के समय थाई बढ़ जाती है बच्चों, हाथ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ये हाथ वगैरह भर जाते हैं। जी सर, शरीर काम नहीं करता सर, इससे अच्छा है कि ग्राउंड में करें फिजिकल। देखो फिजिकल के समय में बच्चों सर बोल रहे हैं ग्राउंड में करना है, तो सर कई बच्चे ड्रग्स खाते हैं, मतलब गोलियां ले ली, दवाइयां ले ली, उसके लिए सर बताना सर? वो मेरे को तो बहुत गलत लगता है सर को, देखो दवाई गोलियां बहुत गलत है, तो उसके लिए बताना सर कैसे, क्या मतलब क्या इफेक्ट होते हैं उससे? एक तो मतलब शरीर में जितनी एनर्जी होती उससे ज्यादा देर लग जाती है। जी सर, शरीर में जितनी एनर्जी रहती है उससे अधिक लग जाती है। जी सर, उससे या तो बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं या उल्टी कर देते हैं। बच्चे चक्कर खा के गिरेंगे या उल्टी करेंगे सर? ठीक है सर, मतलब वो गलत है, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मन का वहम होता है इसका मतलब। सर फिजिकल के समय बच्चे क्या डाइटिंग करेंगे अब बताना सर बच्चों को, डाइटिंग क्या लें, क्या खाएं कि जिससे उनका स्टेमिना बना रहे? एक तो मौसमी पिए, मौसमी पीनी है सर, जूस काट के उसका, हाँ सर, अधबिला दही कर ले, अधबिला दही हो गया, वो चना भेज दे, चना खा ले, चना भेज दिए सर, ठीक है, और भोजन हल्का ले, हल्का भोजन लेना है सर। सर बहुत से बच्चों को जब फिजिकल के समय उनका लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं बनता, और सबसे मोटी दिक्कत होती है लॉन्ग जंप में, सर बच्चों के लिए कुछ बताइए सर लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप करके दिखाते हैं बच्चे से, आजा भाई। अच्छा, लॉन्ग जंप सर करवा के बताएंगे, और सर कोई एक्सरसाइज है लॉन्ग जंप के लिए? एक्सरसाइज भी करवा के दिखाएंगे सर। आप एक्सरसाइज बताइए कौन सी है एक्सरसाइज, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल है, साहिल कुमार। साहिल कुमार, आप हाई जंप की या लॉन्ग जंप की कौन सी एक्सरसाइज बता रहे हो? हाई लॉन्ग दोनों ही। अच्छा जी, हाई लॉन्ग दोनों ही क्या एक्सरसाइज बता रहे हैं? चलो सर बताना। देखो सबसे पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त। फिर उसके बाद हमें जंपिंग करनी है, देखो करके बताता हूँ। जी सर, जंपिंग करने जंप करते हो तो हमें हमारी थाई को जितना ऊपर ले जाए उसको उतना ऊपर ले जाना है, थाई को ऊपर ले जाना है, कैसे सर बताना दिखा? ये वाला हिस्सा जंप करते वक्त अपना पैर ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए और हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है। ठीक है सर, बताओगे सर करके बताना सर। सर आपका नाम क्या है सर? सोनू कुमार जी। सोनू जी, आप जंप करके दिखाएंगे? ठीक है सोनू जी, और साहिल जी अब हमारे पास हमारे साथ हैं, ये जंप करके दिखाएंगे, इस अकेडमी के होनहार बच्चे हैं, ये देखिए बच्चों, क्या बात है सर, 17 फुट,
अब सोनू कुमार जी आ रहे हैं, जंप करके दिखा रहे हैं। अरे क्या बात है सर, 17.5 फुट, ये देखिए कितनी जबरदस्त जंप लगाया इन्होंने सर, वाकई में इन्होंने बच्चों ने जबरदस्त जंप लगाया है। तो सर ये जो एक्सरसाइज बताई है ये वाकई में इफेक्टिव है, मतलब इन एक्सरसाइज करता रहे तो हो जाएगा सर। सर सर अब आपने ये बताया बच्चे 17-18 फुट कूद रहे हैं और ये तो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, और जो बच्चे लग चुके हैं वो तो मैंने सुना आपके में आया 20 फुट के लगभग है। अच्छा सर ये तो आपका मार्गदर्शन है बच्चे, अब बच्चों के लिए अब सर ये तो हो गया लॉन्ग, अब हाई जंप के लिए कुछ एक्सरसाइज आपके पास? हाई जंप के लिए मैं करवा के दिखाता हूं। अच्छा ये साहिल कुमार जी फिर से हाई जंप की एक्सरसाइज बताएंगे, चलो साहिल कुमार जी बताइए। हमें ऐसे बैठना है कम से कम 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसे करना है जी सर, और उसके बाद हमें हमारे पैर खोलने अच्छे से जितने खोल सके, ये पैर खोलने हैं। जी सर और एक्सरसाइज, हाँ सर ये सब हाई जंप के लिए है सर, हैं क्या नाम आपका? सर मेरा नाम गजराज है। गजराज जी, गजराज जी आप भी हाई जंप की एक्सरसाइज बताएंगे? हाँ जी सर। जी सर, सर बताइए सर, ऐसे जितना ऊंचा उछलेंगे वैसे जितना जंप लिया जाए इतना लिया जाए सर। जी सर, सर ऐसे भी करो पैर आगे पीछे। जी सर, जी सर, सर ऐसे साइड में करिए सर, साइड फैट भी कम होगा इससे, साइड फैट भी कम होता है, क्या बात है सर, वेट लॉस का भी बता रहे हैं साथ साथ। सर ऐसे स्प्रिंट मार रहे तो भी ये स्प्रिंट मार रहे हैं, ये सारी जंप की एक्सरसाइज है। करके दिखाएंगे आपको, क्या बात है सर, जबरदस्त, क्या बात, बहुत जबरदस्त, ये बच्चे करके दिखा रहे हैं आपको। तो बच्चों जो सर ने बताया है, सर ये आप वाकई में ही बहुत मेहनत कर रहे हो, और इन बच्चों के देखें हमने 17.5-18 फुट कूद रहे हैं। तो सर अब ये बताइए कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों से सर वाकई में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉन्ग जंप हाई जंप में, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बात सर? उनके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करें पहले, पहले एक्सरसाइज जरूरी है। जी सर, घबराए नहीं कि हमसे कूदा नहीं जाएगा। अच्छा, घबराना नहीं, नहीं कूदा जाएगा हमसे, तो सरों में थोड़ा नीचे कर ले 2-3 फुट है, दो धीरे धीरे अपने आप रोलने लग जाएगी। अच्छा धीरे धीरे, तो सर एक हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। हाँ जी, आप कितने दिनों से हो? सर मैं 25 तारीख को आए सर के पास, 25 तारीख से को आए थे, तो यहाँ कैसे क्या माहौल है, डिसिप्लिन वगैरह? सर बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेरे को किसी ने पता, सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं सर। सर अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, इनकी टिप से बहुत कितने बच्चे लगे होंगे आप सर, सुना होगा लोग लग गए, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुकी है, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं सर, क्या बात है। तो फिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर अब वैसे कॉमन कर रही है, कॉमन मतलब जैसे कि जो भी हो लगना है आपकी बात। जी सर, सर के मार्गदर्शन से सर, और भी बच्चे हैं बात करते हैं। सर हाँ जी, नाम क्या है जी आपका? सर कार्तिक है। कार्तिक कुमार जी, कार्तिक जी आप इस एकेडमी से जुड़ रहे हो, तो आपको क्या फायदा हुआ? सर मैं सर के पास 1 महीने पहले आया था। अच्छा 1 महीने पहले आए थे सर, 1 महीने में मेरा 10 kg वेट लॉस, 10 किलो वेट लॉस हो गया। देखिए बच्चों सर कितनी मेहनत करवा रहे हैं सर, 4 इंच हाइट भी बढ़ी है, 4 इंच हाइट बढ़ी है, 10 किलो वेट लॉस हुआ है, आर्मी के लिए तैयार हूँ, आर्मी के लिए तैयार हूँ। देखिए कार्तिक जी की हाइट देखिए कितने लंबे ठाडे हैं, तो कार्तिक जी बहुत जबरदस्त। हाँ जी साहिल जी बताइए, आप कब से जुड़ रहे हो? मेरे को 3 महीने हो गए, मैं यहाँ पर मेन अपना वेट लॉस के लिए आया था जी, वेट लॉस, वेट लॉस के साथ साथ मेरे टाइमिंग बहुत अच्छा टूटे हैं, टाइमिंग भी टूट गया सारा लगभग। तो अब आप जो निकट भविष्य की भर्ती आएगी उसके लिए आप रेडी हो? यस सर। तो ये सर की
ये अकेडमी हरियाणा डिफेंस अकेडमी का बच्चा है, बैरावास से, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा। ये देखिए कितना जबरदस्त योग कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल स्थिर होके। ये दीपक यादव सर के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं ये बच्चे, ये आपके सामने है, कितना जबरदस्त तरीके से योग कर रहा है बच्चों सर के मार्गदर्शन से। देखिए ये दीपक यादव सर, ये इन्होंने जो टिप्स बताई आप उनको फॉलो कीजिए। हम बता रहे हैं जितने आपकी दिल्ली पुलिस में या फिर अदर जो भी एग्जाम उनमें नंबर अच्छे हैं तो फिजिकल भी अच्छा होगा आपका। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन के साथ साथ में हम फिजिकल की टिप्स भी देते हैं, आप देख लेना कि हर टॉपिक पे हम बताएंगे आपको। आपका फिजिकल कमजोर है तो हम फिजिकल के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों ये दीपक यादव सर थे, जिन्होंने इनकी टिप्स फॉलो की है वो हमेशा कामयाब हुआ है। तो बच्चों आप भी पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, फिजिकल के लिए जो टिप्स है वो लेते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।